रायबरेली में राज्य महिला आयोग और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के दिशा निर्देशन में निर्धारित मॉड्यूल के अनुसार महिलाओं के लिए विधिक साक्षरता प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में राज्य महिला आयोग की सदस्य अंजू प्रजापति और जनपद न्यायाधीश मोहम्मद शाहिद मौजूद रहे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को और सशक्त बनाने के साथ ही महिलाओं को विधिक रूप से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना रहा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जनपद न्यायाधीश ने समान अधिकार कानून पर विशेष जोर देते हुए बताया कि समाज में महिलाओं को भी वही अधिकार हैं जो पुरुषों को हैं। इसके अतिरिक्त मौलिक अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों के संबंध में चर्चा की गई। राज्य महिला आयोग की सदस्य अंजू प्रजापति ने महिलाओं को सरकार की विभिन्न निःशुल्क योजनाओं के संबंध में जानकारी दी। इस आजादी के अमृत महोत्सव में विधिक साक्षरता के रूप में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माननीय सर्वोच्च न्यायाधीश माननीय यूयू ललित साहब के तत्वाधान में पूरे भारतवर्ष में विधिक साक्षरता का अभियान चलाया जा रहा है, जो 2 अक्टूबर से प्रारंभ हुआ है और 14 नवंबर तक चलेगा। इसमें हम प्रत्येक स्तर के ऊपर, प्रत्येक जिले में, प्रत्येक प्रदेश में, प्रत्येक तालुका में, प्रत्येक तहसील में और प्रत्येक गांव तक प्रत्येक नागरिक को विधिक साक्षरता दिलाना चाहते हैं, उनको पहुंचाना चाहते हैं कि उनके क्या क्या विधिक अधिकार हैं और कहां कहां से उनको सहायता प्राप्त हो सकती है। उन सहायता के लिए हम पूरे जिला स्तर के ऊपर कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसमें गोष्ठियां शामिल हैं, शिविर शामिल हैं, स्कूल में और कॉलेजेस में हमारे लग रहे हैं और इसके साथ साथ ही महिला सशक्तिकरण का प्रारंभ भी किया गया है और इसमें महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति और उनके विधिक अधिकारों के प्रति जागरूकता का अभियान चलाया जा रहा है। इसमें महिलाओं को उनके कानूनी अधिकार क्या हैं, उसका शिविर का आयोजन है और इस कार्यक्रम के बाद में सभी महिलाएं और सभी विभागों से महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं, अधिकारी भी आए हुए हैं, तो जो उनके कानूनी अधिकार हैं उनकी जानकारी के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है।